एक्टिंग की दुनिया से जुड़े रहने का सपना कई लोग मुंबई लेकर आते हैं। इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए वह काफी संघर्ष भी करते हैं, लेकिन सबकी किस्मत साथ नहीं देती। जहां कुछ लोग यहां खूब नाम कमाने आते हैं, तो कुछ लोग सफलता मिलने के बाद भी गुमनाम हो जाते हैं। कई लोगों को बड़ी आसानी से डेब्यू फिल्म मिल जाती है, तो किसी को सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। कुछ तो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद इस इंडस्ट्री में अपनी धाक नहीं जमा पाते। ऐसी ही एक एक्ट्रेस सबीहा है। साल 1957 में एक फिल्म आई थी, तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस अमिता मुख्य भूमिका में नजर आई। इस एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत और अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। उसके बाद ये एक्ट्रेस गूंज उठी शहनाई, छोटे नवाब, पिया मिलन की आस जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री में खुद को बतौर लीड एक्ट्रेस स्थापित नहीं कर पाई। कुछ ऐसा ही हाल अमिता की बेटी सबीहा का भी हुआ। सबीहा ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। आज हमारे कॉलेज में बहुत मजा आया। अच्छा, अंडे और सड़े टमाटर खा खा के राज और बॉनी की तो हालत खराब हो गई। क्या 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 क्या, क्या अंडे और सड़े टमाटर? हाँ, वह भी अपनी माँ की तरह, या फिर यूं कहिए कि माँ से बेहतर पहचान बनाना चाहती थी। सबीहा ने साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म अनोखा रिश्ता में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया था। सबको लगा था कि राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करना सबीहा के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही। दरअसल इस फिल्म में काम करने के बाद सबीहा और उनकी मां ने सामने आकर राजेश खन्ना पर कई संगीन आरोप लगाए थे। सबीहा ने काका पर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ गैर व्यवहार करने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस के इस आरोप से इंडस्ट्री में सनसनी मच गई। लेकिन उस वक्त तक राजेश खन्ना का रुतबा इतना बड़ा था, इंडस्ट्री में उनके आगे केवल गिने चुने लोगों की ही चलती थी। राजेश खन्ना पर इतना बड़ा आरोप लगाना सबीहा को काफी महंगा पड़ा। इस एक्ट्रेस के करियर को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कहा जाता है कि कोई भी उन दिनों राजेश खन्ना के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखता था, जिस वजह से एक्ट्रेस को कई फिल्मों से निकाल दिया गया। अगर उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलती भी तो उन्हें छोटे मोटे साइड रोल में ही कास्ट किया जाता, और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। उस दौरान सबीहा अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी और बाप नंबरी बेटा दस नंबरी जैसे फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई। उसके बाद एक्ट्रेस को अपना गुजारा करने के लिए बी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेना पड़ा। अगर सबीहा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये एक्ट्रेस साजिद खान और कोरियोग्राफर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फराह खान की सौतेली बहन है। सबीहा की माँ अमिता फराह खान के पिता कमरान खान की दूसरी पत्नी थी, लेकिन वह हमेशा ही पहचान की मोहताज रही। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वह अपने भाई बहन की तरह फिल्मों में सफलता हासिल नहीं कर पाई, और चंद बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूरी बना ली। आज यह एक्ट्रेस कहाँ है और किस हाल में है, ये कोई भी नहीं जानता। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।